नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज 24/7 सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ शमशीर शेख। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। दबंगों ने किया गरीब महिला का मकान जबरन कब्जा। प्रयागराज के धूमनगंज के कांतीराम आवास में अपना मकान को दबंगों से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ SSP कार्यालय पहुंची। पीड़ित ने पुलिस पर दबंगों से मिली भगत। अपने मकान को दबंगों से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ SSP कार्यालय पहुंची। पीड़ित ने पुलिस पर दबंगों से मिली भगत कर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने इस संबंध में एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा। पीड़ित ने कांतीराम आवास के ही कुल दबंगों पर जबरन मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया है और पीड़ित को मकान से दूर रखा है, साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वे बहुत दबंग व्यक्ति हैं। पीड़िता ने बताया कि उनसे इस संबंध में तहसील दिवस में कब्जे के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस दबंगों के साथ मिली हुई है और पीड़िता की मदद करना नहीं चाहती। पीड़िता ने इस संबंध में एक ज्ञापन को सौंपा कर इंसाफ की गुहार लगाई। लगभग एक दर्जन दबंग एक मकान पर जबरन कब्जा करने के नियत से खरीदारी करने गए। पीड़ित के मकान का ताला तोड़कर घर में घुस गए। पड़ोसियों से सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पीड़ित दंपत्ति ने दबंगों का विरोध किया तो गाली गलौज करते हुए मारपीट कर भगा दिया, जिसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस कंट्रोल रूम व स्थानीय थाने में लिखित रूप में दी। पीड़ित की लिखित शिकायत पर मौके पर आई स्थानीय पुलिस को देख दबंग आरोपियों से बातचीत का प्रयास किया तो दबंगों ने अंदर से मकान का ताला बंद कर छत से अद्धा घुम्मा चलाने लगे। घंटों की मशक्कत के बाद वार्ता करने में असफल रही पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बाइट पीड़ित बाइट पड़ोसी प्रयागराज से अनिल कुमार की रिपोर्ट। क्या हुआ था? मेरे ससुर के नाम मकान था, मेरे ससुर खत्म हो गया, मैं उसी मकान में रहती थी। बच्चे साथ में के घर चली गई मैं, कि तुम मेरा सामान था फेंक दिए। कौन लोग थे? अभ्यास थे और उर्मिला वाली ये सब मुझे मारने के लिए। सर मेरे बच्चों को लेकर साथ में मैं रह रही हूँ बाहर रोड पर। पुलिस के पास गए? कुछ नहीं सुनते, पुलिस वाले के पास जाते भगा देते, बोलते चले जाओ ना तुम्हें जेल भेज देंगे। पुलिस वाले को नहीं सुनते। मेरे पति भी मर गए, ससुर सास कोई नहीं, मेरे मेरे दो बच्चे साथ आके रह रहे। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति। नहीं मिल रहा, बाद में हत्या कर लेंगे तीनों बच्चे के साथ।